दोस्तों आप लोगों का स्वागत हमारे आरबीपीसीएल 07 में। आज हम लोग फिर से एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भुवनेश्वर की ओर से 2023 के लिए आपका नोटिफिकेशन आउट किया गया। यहां पे आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं कि आपका 7/10/2023 को ही आपका आउट किया गया। उसी प्रकार से जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहां से चेकआउट करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CGLRF 2023 के लिए आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए आपका पोस्ट आपका डिक्लेयर किया गया। इस प्रकार से गवर्नमेंट देख सकते हैं कि आप गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की ओर से आपका 2023 के लिए आपका नोटिफिकेशन आउट किया गया। उसी बेसिस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपका 14/10/2023 रहने वाला और इन डेट आपका रहने वाला 11/11/2023। उसी बाद आपका सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपका यहाँ पे रहने वाला है, यहाँ पे 14/10/2023 से लेकर आप 14/11/2023 तक आप सबमिट कर सकते हैं। फिर इन डेट आपका एप्लीकेशन फॉर्म का रहने वाला है 14/10/2023 से लेकर आप 17/11/2023 तक आप सबमिट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ऑनलाइन मोड से आप सिंपली www.oss.sc.gov.in में जाकर आप सिंपली चेकआउट करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि हार्ड कॉपी भी आप यहां पे सबमिट कर सकते हैं। उस बेसिस पे आप जो भी कैंडिडेट जिस कैटेगरी के बेसिस पे हो उसी के बेसिस पे आप ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए आपका यहां पे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए आपका नोटिफिकेशन आउट किया गया। इस बेसिस पे यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट, आपका नेम ऑफ डिपार्टमेंट और नंबर ऑफ वैकेंसी, और यहाँ पे आपका ग्रुप कैटेगरी वाइज और यहाँ पे आपका सैलरी आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑडिटर के लिए आपका वैकेंसी आउट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उड़ीसा की ओर से 2023 के लिए आपका नोटिफिकेशन आउट किया गया। उसी बेसिस पे जो भी कैंडिडेट जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो उसी के बेसिस फाइनेंस डिपार्टमेंट उड़ीसा में आपको यहाँ पे अप्लाई करनी हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी बेसिस पे आप देख सकते हैं डायरेक्टरी ऑफ टेक्सटाइल उड़ीसा भुवनेश्वर में आपको अप्लाई करना है। इंस्पेक्टर ऑफ टेक्सटाइल के लिए आपका रिक्रूटमेंट आउट किया गया। फिर यहाँ सब डिविजनल फाइनेंशियल सर्विस एंड सेविंग ऑफिसर के लिए आपका वैकेंसी आउट किया गया। इसमें आपका ग्रुप वाइज आपका देख सकते हैं ग्रुप बी के लिए आपका पोस्ट रिलीज किया गया और पे स्किल यहाँ पे लेवल 9 का आपका पे स्किल प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्रकार से जो भी कैंडिडेट जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं और जिस प्रकार से आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो उसी के बेसिस पे यहां से चेकआउट करके यहां पे आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपका देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यहां से आप चेकआउट करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। इस प्रकार से यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका बम्पर से बम्पर भर्ती निकाला गया है, जूनियर अकाउंटेंट के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर के लिए, फिर एचओडी के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं कि एचओडी के लिए आपका नंबर ऑफ वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इंजीनियरिंग चीफ वाटर रिसोर्सेस उड़ीसा में आपको वैकेंसी रिलीज किया गया। उसी प्रकार से यहाँ से आप देख सकते हैं आपका पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, और यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे नेम आपका प्रोवाइड किया गया। इस प्रकार से जो भी कैंडिडेट जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल और जिस प्रकार से एजुकेशन क्वालिफिकेशन उस बेसिस पे यहाँ से चेकआउट करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 495 पोस्ट आपका रिलीज किया गया। इस प्रकार से आप यहां से चेकआउट करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उड़ीसा की ओर से 2023 के लिए आपका नोटिफिकेशन आउट किया गया। उसी प्रकार से आपका कैटेगरी वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यूआर के लिए, एसईबीसी के लिए, आपका एससी के लिए, एसटी के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इस प्रकार से यहां से चेकआउट करके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप सिंपली अच्छे से चेकआउट करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। यहां पे आपका उड़ीसा की ओर से आपका बम्पर भर्ती निकाला गया 2023 के लिए। आप सिंपली यहां पे इंडियन सिटीजन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया ओवर कहीं से भी कैंडिडेट आते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका मिनिमम एज आपका 1/1/2023 से आपका 21 ईयर कम्प्लीट हो चुका है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम एज आपका 38 ईयर हो चुका है 1/1/2023 के अंडर में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। इस बेसिस पे आपका 21 ईयर और उसके प्रकार से आपका यहाँ पे दे सकते हैं एज रजिस्ट्रेशन भी प्रोवाइड किया गया। यहाँ पे दे सकते हैं और आप ईईबीसी के लिए एससी और एसटी कैंडिडेट के और वुमेन कैंडिडेट के हैं तो आपका 5 ईयर का, और या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के हैं तो आपका 10 ईयर का एज रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया जाएगा। उस प्रकार से एक सर्विसमैन के हैं तो आपका यहाँ पे एज रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्रकार से जो भी कैंडिडेट जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं और जिस बेसिस पे आपका है उस बेसिस पे यहाँ से चेकआउट करके यहाँ पे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 150
ही मार्क्स का होने वाला है, उसके बाद आपका मेंस रिटन एग्जामिनेशन आपका 2 पेपर यहाँ पे रहेगा। इसी प्रकार से उड़ीसा एंड इंग्लिश में आपका रहेगा और जनरल स्टडी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, मैथमेटिक्स रहने वाला और स्किल टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस बेसिस पे आप जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं और जिस प्रकार से आप जिस पोस्ट के एलिजिबल हो उसी बेसिस पे आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 34 पेज का आपका नोटिफिकेशन आउट किया गया, जो भी इंपॉर्टेंट बात है मैंने बता दिया। आप सिंपली अच्छे से चेकआउट करके 2023 के लिए आप उड़ीसा यहाँ पे की ओर से, उड़ीसा स्टेट की ओर से 2023 के लिए आपका बम्पर भर्ती निकाला गया है उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, या कोई परेशानी होती है तो हमें कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।